हेलो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथियम। पाइथियम का एक वर्गीकरण है, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न मैस्टिकोमाइकोटिना, क्लास उमाइसिटीज, ऑर्डर पेरनोस्पोरेस, फैमिली पाइथेसी, वंश पाइथियम। ये सामान्यतः तो इसका आकरण जल स्थलीय या स्थलीय रूप आवासों में पाया जाता है। इसकी ये रोग है पाइथियम डिबोरियोनियम द्वारा आदर पतन रोग होता है और पाइथियम इंडिकम द्वारा लिक्सोट्रोट होता है। इस प्रकार से रोग होते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम रिप्रोडक्शन। तो दो प्रकार का जनन होता है, पहला असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एक चित्र है। पहले कोई एक मिर्ची का पौधा या सरसों का पौधा होता है, जिसके अंदर पाइथियम क्या करता है, इसके अंदर संक्रमण कर लेता है। ये उसकी जड़ों में जाकर अपना काउक जाल पूरा फैला लेता है। इसके बाद ये पूरा काउक जाल भित्ति को भेदता हुआ बाहर आ जाता है और एक बीजाणुधानी घर बनाता है, जिसपे बीजाणुधानी बनती है। इसमें तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियम, सेकेंड इज डिस्पर्सल ऑफ द जर्मिनेशन एंड स्पोरेंजियम, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियम। दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियम। एक कवक जाल है, जिसके अंदर ये कवक जाल कवक तंतु निकले होते हैं, उसके द्वारा ये एक आपके बीजाणुधानी धर बनती है। बीजाणुधानी धर के ऊपर एक गोल संरचना बनती है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो आगे देखते हैं कि एक पट का निर्माण होने से पूरा जो बीजाणुधानी धर से इसका पटक हो जाता है और इसके अंदर लगभग 5 से 10 केंद्र होते हैं, 5 से 10 केंद्र होते हैं। बाद में क्या होता है, इसके ऊपर एक पेपिला का निर्माण हो जाता है। बाद में इसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन क्या होता है, इसके जो सभी केंद्र होते हैं वो इसके वेसिकल के अंदर आ जाते हैं। ये पेपिला बनता है, उससे ये वेसिकल बन जाती है। इसके अंदर सारे न्यूक्लियस से उसके अंदर आ जाते हैं और सारा जो आपके जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा जो लिक्विड है उसके अंदर आ जाता है। बाद में क्या होता है कि ये एक आपकी स्पोरेंजियम धानी है, जिसके अंदर जू स्पोर का निर्माण हो जाता है। सारा जीव द्रव्य होता है वो कन्वेक्ट मतलब बदल जाता है आपके स्पोर्ट्स मतलब जू स्पोर्स में। ये सभी भित्ति पूरी टूट के स्पोर्ट्स में बदल जाती है, मतलब फट जाती है वेसिकल। बाद में ये जू स्पोर जल में घूमता हुआ किसी एक स्थान पे अधोस्तर पे चिपक जाता है और बाद में इसका जर्मिनेशन होता है। ये जर्मिनेशन ट्यूब निकलती है और बाद में पूरा आपके न्यू थैलस बनता है। बाद में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द